भूतग्रामो असौ भूतग्रामो विभाव्यते जब समस्त ग्रुप भूतों के समुदाय जो है ना प्रकाशित होता है अपने वैभव को प्राप्त हुआ है ऐसा वह आदि पुरुष का ये आदि अवतार समझो। उसकी व्याख्या कर रहे ना एकदा त्रिधा दशदा जो बल गया था उसकी व्याख्या वही देखिए साध्यात्म साधिवश्च साधिभूत आध्यात्मिक आदिदेविक और आदि भौतिक रूपेण त्रिधा विभक्त हुआ था वही परमात्मा वही विराट तेरे प्राण दश विधा वही विराट दश विध प्राण धारण किया वही विराट हृदय छेदेन एकत्व समच जीवत्व अभिमान करता वराने लगा। स्मरण विश्व सर्वामीश विद्यादमद विराजम अतपत्न तेजस ईशा विवृत्त विराट तपस्या का नहीं होता सारा कैसे हुआ कद विज्ञापितम मधोक्षज विश्व सृजन ईशो विश्व सृजन विश्व का सृजन करने वाले इन तेजिस तत्व का जो ईश है उसे अधोक्षज से विज्ञापितम सत विराजम अतपत् उसके ही द्वारा आदिष्ट होकर के यह विराट स्वरूप जीवात्मा ने क्या किया अपना विशिष्ट तपस्या को किया सेन तेजसा पाश तप जन्य तेज के द्वारा ही ये शाम विवृत्त है इन सभी का इन सब का ये जितने भी अलग अलग करके थे कौन ये 33 तप इनका विविध वृत्ति लाभ के योग्य स्थूल रूपों को बना दिया अथ तस्तस्य कति चायतना निह निरविद्यं ददेवानां इच्छा हुई पहले मैत्री महर्षि को मालूम हो गया कि विदुर के मन में क्या निकल रहा है वो जानना चाहने लगे क्या क्या स्थूल चीज बनाया गया जिसमें समस्त विविध रूपे न उपभोग कर रहे हैं अपना वैभव को प्राप्त कर रहे हैं उसको जानने के लिए जो है क्या कहते हैं पुरुष के मन में उत्पन्न हुआ विचार तो मैत्री पहले से बोलने लग गए सुनो मैं सब बता रहा हूं अथ तस्तस्यो इस प्रकार तपस्या से अभितप्त विराट पुरुष हिरण्य गर्भ हिरणमय पुरुष ने क्या किया कति आयतनाओं के लिए ही जिन जिन आयतनों को निर्माण किया उन सबको तुम क्रमश सुनो तस्म निर्भिन्नम लोकपाल विषक पदम वाचा स्वांशी नव्यम ये आसो प्रतिपद्य तस्याम अग्नि उसका मुख से अग्नि हुआ निर्भिन्नम हास्यम निर्भिन्न पृथक जात उसी के अंदर जो अग्नि तत्व था वह अग्नि तत्व ही मुख रूपेण विभाजन है ना हास्यम द्वितीय निर्भिन्नम कौन निर्भेदन को अग्नि मुख रूप निर्भिन्न हो गया कभी अग्नि निर्भिन्न हो गया जो अग्नि तत्व था ना 33 सत्ता में से अग्नि तक वह मुख रूपेण उस विराट पुरुष के मुख रूपेण विभक्त हो गया लोकपालो अभिषेक पदम पदम स्वस्थान स्वयं स्वशक्ति वाचा सा आभिषेक वह अग्नि देवता स्वयं ने क्या किया इस लोक को पालन करने वाला अग्नि देवता अपना ही उस स्थान को पदम ने उस स्थान को वाचा जो कि कैसी है वाणी स्वांशी ना अपने अंश से वाणी के द्वारा वक्तव्यम व्यया जिसके द्वारा वक्तव्य को कथन करता है उसको आवश्यक अभिशक्त प्रवेश कर गया ये या असौ वक्तव्य प्रतिबलते जिस साधन के द्वारा जो कुछ भी यह वक्तव्य है उसको प्रतिपादन किया करता है उसी मुख के अंदर एक और चीज बन गई क्या निर्भिन्नताल वरुण लोकपाल विशद धरे जवयांशील चरसम यासो प्रतिपद्यते उसी मुख के अंदर वरुण देवता ने क्या किया जलाभिमान देवता जल तत्वाभिमान देवता लोकपाल ने ताल रूपेण विभक्त कर प्रकट हो गया ताल स्थूल आयतन हो गया
मुख आयतन था वाणी के लिए, वाणी रूपी स्पर्श के द्वारा अग्नि मुख रूपे अभिव्यक्त होकर के प्रकट हो गया और उसके द्वारा सगला वक्तव्य का कथन कर रहा है। उसी प्रकार से वरुण देवता इसी मुख के भीतर हमें एक तालु के रूप में प्रकट हुआ स्थूल रूपेण, और उस तालु के अंदर रसनेन्द्र रूपी जवया अंशेव अपना ही स्वांश दैवी शक्ति के माध्यम से वह उसने क्या किया, रसनेन्द्र बनकर उसके अंदर बैठ गया। बैठ कर कर क्या रहा है, उसी के द्वारा जिसके द्वारा असो यया रसम प्रतिपद्य असो ने इंद्रा, ये जो पुरुष है समष्टि में, इसी प्रकार वृष्टि में हम लोग असल में से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी रसनेन्द्र के द्वारा रस को जान लेते हैं। जैसे समष्टि में रसेंद्र से रसों को जान रहा है, समष्टि में वह वायुन्द्र से वक्तव्य को कथन कर रहा है, वृष्टि में भी उसी प्रकार समझना, यहाँ मुख निकल गया अग्नि मुख बना हुआ है, उसे वागिंद्र बन करके बोलने वाले सगल पदार्थों को बोल रहा है। वृष्टि में भी वह जल के अग्निमानित वरुण देवता ही जिह्वा के रूप में प्रकट हुआ और उसके अंदर स्वांश होता रसनेन्द्र के ऊपर उसके अंदर स्थित होकर के जो कुछ भी रस है उसका आस्वादन कर उसका ज्ञान प्राप्त कर रहा है। निर्भिन्ने अश्वनाथ विष्णु राशताम वदम धारेराशीन दुंदस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवे। अश्विनी देवता लोग जो पृथ्वी के अभिमानी है, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने नासिकाओं को निर्भेदन कर डाले। विष्णु हो आवश्यदाम पदम, विष्णु के ही विष्णु हो पदम आवश्यताम, ऐसा हमें कर लेना है। तो कहते हैं कि भाई क्योंकि सब उसी व्यापक विराट में रह रहा है ना, विष्णु में नहीं आ रहा, शुद्ध परमात्मा नहीं ले रहा है, विष्णु से विराट व्यापक जो हिरण्यगर्भ समष्टि का अभिमान जो देवता उसको ले लेना है। अश्विनो विष्णु नासे अश्विनो निर्भिन्ने, व्यापक विराट के शरीर में नासिका के रूप में अश्विन देवताओं ने प्रकट हुए और उसके अंदर क्या गया, स्वांशीन ग्राणेन पदम अपना अंश था ग्राणेन्द्र के द्वारा उसके अंदर स्थित हो गए नासिकाओं में स्थित होकर के, ये तो गंध से प्रतिपुत्र बने उस ग्रहण इंद्र के द्वारा अब समष्टि और वृष्टि में जा रहा है, हम गंध को ग्रहण करते हैं। निर्भिन्न अक्षणी त्वष्टा लोकपालो विशद विभो चक्षुषांशीर रूपाराम प्रतिपत्ति यथो भवे। विभो उस विभु का उस विराट पुरुष के अंदर क्या किया, ये जो अक्षी त्वष्टा जो होता है सूर्य है, उसने अक्षिणी निर्भिन्ने अक्षियों का निवेदन कर डाला, दो कुल के बन गए और ये सूर्य जो है इसका अभिमानी देवता ने इसको बनाया, बना करके इसके अंदर क्या किए, चक्षुषा अंशीरा अगर अंशभूता चक्षु के रूप में इसके अंदर प्रवेश कर गया, स्थित हो गया, स्थित होकर कर क्या रहा है, रूपाराम प्रतिपत्ति रुतभवे, इसी से ही सकल प्रकार के रूपों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। निर्भिन्नान्यस्य चरमाणि लोकपालो अनिलो अभिषत प्राणेन आंशेन संस्पर्शम येनासो प्रतिपद्यते। लोकपाल जो अनिल है वायु, उसने क्या किया, इसी विभु जो विराट पुरुष का अंदर चम रूपेण निर्भेदन करने लगा, चम रूप धारण करके प्रकट हो गया और प्रवेश कर गया कैसे, प्राणेन आंशेन अभिषत पंच प्राण रूपेण और उपप्राण रूपी पंच कुल दश प्राण रूपेण वह इस विराट शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। करके करता क्या है, जिसके द्वारा उस त्वगिंद्री के द्वारा वह कर क्या रहा है, संस्पर्शम ये नसौ प्रतिपद सकल प्रकार के स्पर्श ज्ञान कर लेता है। चरण में त्वगिंद्री रूपेण दश प्राण के माध्यम से वो व्याप्त होकर इसे सर्व शरीर वर्ती, त्वगिंद्र कहा है चर्मन के ऊपर नहीं लेने का, नहीं तो अंदर जो गुड़गुड़ होता है इसे पता चलेगा, वो अंदर होता है ना कभी बार मालूम हो जाता है, दर्द भी हो रहा है कहीं मांस के अंदर हो रहा है, हड्डी में दर्द है, लोग बोलते हैं कि कैसे आपको पता चल गया हड्डी में क्या त्वगिंद्र नहीं है, ये ना होता तो मालूम नहीं होता, हड्डी में दर्द ऊपर ही कुछ हो चर्म में वहीं पर मालूम होना चाहिए, कहीं भीतर से भीतर तो सूक्ष्म सूक्ष्म दर्द भी मालूम हो जाता है, क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह
सप्तम इंद्रिय। किसने कह दिया? दस प्राणों के माध्यम से वह तैंद्र रूप को धारण करता हुआ सर्वत्र व्याप्त हो गया। कहा प्राण नहीं, पूरे दसवां में पूरे शरीर में दस प्राण व्याप्त है। जहां कोई प्राण निकल जाए तो वह लफड़ा हो गया, फिर वहां का कुछ ज्ञान नहीं होगा। ये चमड़ा तो है, हमारा भी दिख रहा है, क्यों नहीं हमको महसूस हो रहा है कि वहां से प्राण निकल गया है। प्राण के माध्यम से तो इंद्र कार्य करता है, प्राण पिता है उसके लिए, जिसके माध्यम से खबर मिल रहा है सारा। इसने कहते हैं देखो, कर्णावश्यु निर्भिन्नो विष्णु स्वं विविशो दिशा श्रोत्रेणांशिर शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। कर्णावश्यु निर्भिन्नो अस्य सुरार पुरुष के अंदर दिशा दिग अभिमानी देवता ने क्या किया? दोनों कानों को फोड़ लिया, ये दोनों की दोनों बन गए, कान बन गए। कान बनने के बाद इंद्र ने क्या किया? स्वं धिष्ठ्यम अपना स्थान बनाया, क्या श्रोत्र श्रोत्र भी अंश के द्वारा उस स्थान में प्रवेश कर गया और उसी श्रोत्र के द्वारा ये ना शब्द से सिद्धिम प्रपद्य दे, शब्दों को श्रवण करके इसके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तचम अस्व निर्भिन्ना विश्व दृष्टि ओषधी ही अंश रोम भी कंडुम ये रसो प्रतिपद्यते। तचम अस्व निर्भिन्ना विश्व दृष्टि ओषधी ही औषधि के अभिमानी देवताओं ने इन चर्मों को ग्रहण करके रोमों के रूप में प्रकट हो गई। अस्य चर्मम विनिर्भिन्ना इसके चर्म का भी भेदन कर दिया और जिष्ट विषु इस मकान में प्रवेश कर गए। कैसे? रोम भी अंश है ना, रोम रूपी अंश के द्वारा प्रवेश कर गए। भाई जो विभिन्न प्रकार के बाल केश उत्पन्न हो रहे पूरा शरीर के अंदर, इस रूप में प्रवेश हो गया औषधियां। इसलिए औषधि वनस्पति हो गया है ना, सब विराट पुरुष के अंदर ये जो बाल है क्या है, ये सब औषधि और वनस्पतियां हैं। और उसे हुआ क्या? कंडम ये रसो प्रतिबद्ध थे, जिसके माध्यम से ये विराट पुरुष खुजली का अनुभव करता है। और यदि इसको टी से धो नहीं बार बार तो खुजली हो जाएंगे, जूम हो जाएंगे, नहीं होता है क्या? बालों में बालों को धोना पड़ता है पूरा केस को ढंग से, पूरा शरीर के बालों को धो नहीं तो फिर इधर उधर खुजलाते रहेगा, पसीना सूखेगा वहीं पर, वहीं पर कीटाणु होने लग जाएंगे और खुजलाना चालू कर देंगे। इसी के माध्यम से खुजली का अनुभव होता है। मेघम दस्य निर्भिन्नम स्वदिष्टिं का उपासद रेकसाम अंशेन ये नासौ आनंदम प्रतिपद्यते। साक्षात प्रजापति ने क्या किया? काम ने प्रजापति, प्रजापति ने तस्य उस विराट पुरुष के अंदर स्वदिष्टिं अपना रहने का स्थान बोता, मेघम निर्भिन्नम मेघर लिंग को बना दिया। और बाबर क्या किया? कहते रेतसा अंशेन, अपना रेत रूपी अंश के माध्यम से, वीर रूपी अंश के माध्यम से उसके अंदर सदा रहता है, रहकर आनंद के क्या अनुभव करता है? उसी रेत के माध्यम से सौ आनंदम प्रतिबद्धे, वह आनंद का अनुभव कर लेता है। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत पागना अंशिन ये नासो विसर्गम प्रतिपद्यते। मित्र नामक देवता है, लोकों लोकपालों में से एक ये भी है मित्र नामक देवता, उसने विराट पुरुष के अंदर गुदा नामक अंग का विनिर्भेदन कर डाला, उत्पन्न कर लिया और उसके अंदर पायु रूपी अंश के माध्यम से प्रवेश कर गया, पायु इंद्रिय रूपेण प्रवेश कर गया। प्रवेश करके उस इंद्रिय के द्वारा ये ना असौ यह विराट पुरुष क्या करता है? अभी विसर्गम प्रतिपद्यते, विभिन्न प्रकार के मल का विसर्जन को अनुभव करता है। सारा लेन देन का काम करने के लिए इंद्र ने दो हाथों को बना डाला। इंद्र स्वयं ही अस्य विराट पुरुषस्य हस्तौ विनिर्भिन्नौ स्वर्पति इंद्र, स्वर्ग का अधिपति जो इंद्र है, उसने ही क्या किया? इसके शरीर के अंदर हाथ का निर्माण कर डाला, करके इसके अंदर प्रवेश कर गया। वार्तया अंशेन,
होता है जिसे उसके वार्ता में गप सप नहीं बात चले ना यहाँ वृत्ति निर्वर्तते ये न तक वार्तम स्त्रीलिंग कर दिया वार्ता तया वार्ता अंशीना जिसके द्वारा खाना पीना सारा वृत्ति होता है ना लेन देन सब काम किसी से होना हाथ के होना तो क्या होना इसलिए वार्तया अंश आगे स्पष्ट कर दे देखिए अंशीन पुरुषो यया पुरुषो वृत्ति प्रबद्धते इसी के कारण से हाथों के द्वारा ही पुरुष क्या है अपना वृत्तियों को प्राप्त कर लेता है वृत्ति प्रबद्धते वाक्य क्रय विक्रय आदि शक्तियां देखो वाक्य में टीकाकार स्पष्ट कर देते हैं क्रय विक्रय आदि शक्ति के द्वारा वृत्ति मन जीविका हम प्राप्त अपनी अपनी जीविका को सब लोग कमा रहे हैं जिनके हाथे ही नहीं कट गए हैं गड़बड़ा गया तो दूसरे हाथ का काम पैरों से निकाल ले रहे हैं है कि नहीं अभी ऐसे बहुत लोग हैं एक महात्मा को हमने देखा था यहां से कट्टा दोनों हाथ है और सब पैरों से बर्गर कपड़ा धो लेता है लेटर लिखता है पत्र कलम सब यहां से पकड़ लेता है खटखट खटखट लिखता है कमाल हमने कहा कि हम लोग कलम ही नहीं पकड़ पाएंगे क्यों हम लोग का हाथ है ना आदत हो गया है अब उसे सारे दिमाग को हाथ के कामों के लिए पैरों में लगा दिया अब पैरों से दो दो काम कर रहा पैर का भी काम तो कर ही रहा है और हाथ का भी काम पैर से कर कपड़ा धो लेता था सारा काम जो है कमाल सुखाता भी था जमीन पर सुखाता था इधर उधर तो भागता और उस पर सुधर खेचता था सुधर खेचता मैं देखते रहता था कमाल है क्या गजब लीला है भगवान की कैसे उसकी बुद्धि दे दिया है तो इस तरह से कई चीज कईयों को कई इंद्रिया लोप हो जाते हैं और उस इंद्रिय की शक्ति को अन्य इंद्रियों के द्वारा वो इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे अंधे को इसने प्रज्ञा से चुका है उसकी बुद्धि के इस्तेमाल करे दूसरे ढंग से पुरुषो प्राप्यं प्रपद्यते लोकेश विष्णु हो जो लोकपाल विष्णु है वो विराट विष्णु को नहीं लेना आप यहाँ शुद्ध ब्रह्म रूपी विष्णु को भी नहीं लेना एक लोकपाल विष्णु विशेष है उसको नहीं लेना लोकपाल विशेष विष्णु है तो विष्णु देव विशेष स्वांश स्वशक्ति गत्या इंद्रिय सह प्राप्त गमेन प्राप्त यद यज्ञ द्रव्य द्वितीय संवादात ऐसा अर्थ कर रहे हैं टिप्पणकार 13 नंबर देव विशेष का नाम यहाँ पर विष्णु समझो और देव विशेष ने क्या किया उस विराट पुरुष के अंदर दो पैरों का निर्माण कर लिया करके उसमें अपने गति रूपी अंश के द्वारा उसे प्रवेश कर गया प्रवेश करके क्या किया अब उस पुरुष को पुरुष ने क्या इस यया उसी पैर रूपी की गति रूपी साधन के माध्यम से प्राप्यम जो प्राप्ति है यज्ञ हवन होम इत्यादि जो भी करता है गांव जाना आना इत्यादि हर चीजों को प्राप्ति को प्राप्त करने लगता है बुद्धि निर्भिन्नाम वागीशो दृष्टिमा विशत भोधेनाशीन बोद्धव्यम प्रतिपत्तिर्यतो भवे अस्य बुद्धि निर्भिन्नाम कौन वागीश वाणी का जो ईश है वागीश ने क्या किया वागीशो मैंने ब्रह्मा साक्षात स्वयं ब्रह्मा जी ने क्या किया अपने बुद्धि को बोध के द्वारा सरल अर्घ कारणीभूत व्यवसाय व्यवहार का कारणीभूत होकर के इंद्रियों के द्वारा क्या किया बुद्धि का निर्माण कर डाला और उस स्थान विशेष में स्वयं बोध के माध्यम से आवेश कर गए बोधे नशेरा आविशत कहीं पदम कहीं धिष्ण कर्म स्थान उस स्थान निर्माण किया स्थान में प्रवेश कर गया जैसा मकान बनाते हो मकान प्रवेश कर जाते हो फिर आप खुद प्रवेश करते हो बनाए ये करे ये लाभ आने को उठा लेते है। कुछ तो किराएदार को भी रख दे तो किराएदार भी लाभ उठा रहे कुछ तो बेकिराए दिए ही मच्छर खतवन बुछुआ उठा रहे हैं बिना किराएदारी का ही वो लाभ उठा रहे हैं है कि नहीं मेहनत आप आदमी ने किया पत्नी बच्चे बाल सब वो भी सब तो लाभ उठा रहे हैं आए गए रिश्तेदार लोग रह रहे आनंद ले रहे हैं तो इसी प्रकार से एक एक अंगों को तत्व निर्माण देव का निर्माण किया लाभ कौन उठा रहा है हम लोग आप लोग सब उठा रहे हैं इसी हमारे
मुक्ति में, मुक्ति तक हम लोग पहुंच जाएंगे। वो बेचारे पहुंचे ना पहुंचे, जिन्होंने इसको बनाया वो तो लोक पाल है ना। जब सृष्टि समाप्त होगी तब ना उनका होगा, कल्प समाप्ति के बाद उनकी मुक्ति होनी है। हम लोगों की तो मुक्ति पहले भी हो सकती है। ये नहीं देखो कितना बढ़िया मकान मिला है, बिना किराए भाड़े का रह रहे, बनाया किसने और सारी चीज बढ़िया बना हुआ है, कोई कमी नहीं है, थोड़ा पेट खराब डायबिटीज है किसी को थोड़ा कान खराब है, किसी को आंख खराब है, किसी को कुछ खराब है ही नहीं, और कुछ ही खराब है जिनके दुकान तो फाड़ी दिया क्या तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अपने साधना के लायक तो बना दिए है लोगों ने। इन देवताओं को धन्यवाद देना पड़ेगा, वो सब बना उनके हमको ले लिया और हम सुमिराकर मुक्ति को पा रहे हैं, कितना मजे की बात है। इसी तरह से विराट पुरुष आनंद ले रहा है, हम लोग इस सृष्टि में आनंद ले रहे हैं, काम चल रहा है सबका। इसलिए कहते बोध भी अंश के द्वारा बोध भी को क्या करता है, बोध अंश के द्वारा वो बोध भी हम प्रतिपत्ति ऋतु बोले, उसी बोध अंश के द्वारा वो बोध भी जिता भी है, उन सब का बोध कर लेता है। हृदय चाप्य निर्भिन्नम चंद्रमा दृष्टि महाषतो मनसांशे नाशो विक्रिया प्रतिपद्यते। हृदय निर्भिन्नम, चंद्रमा ने क्या किया, इस विराट पुरुष के अंदर हृदय रूप स्थान का निर्माण किया और मन रूपी अंश के द्वारा उस हृदय रूप स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। और क्या करता है उस मन के माध्यम से, अब वो विराट पुरुष समष्टि में और व्यष्टि में हम लोग क्या कर रहे हैं, विक्रियां प्रतिपदते, चंचलता के कारण से अनेक विकारों को प्राप्त करते रहते हैं, राग द्वेष अभिनिवेश हो रहा, निरंतर जो है विभिन्न प्रकार की वृत्तियों की धारा चलती रहती है। निर्भिन्नम अभिमानो अभिशक्तम कर्मांशेन ये रासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते। अब आत्मानंचास निर्भिन्नम अभिमानो अभिशक्तम, स्वयं रुद्र जो है अहंकार अपने प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा निर्भिन्नम वर्ण ने अहंकार का निर्माण कर डाला, आत्मा ने अपना अहंकार सत्यम विधि बुद्धि चित्र और अवेल निर्देश कर इस तरह से कर्मणा हम मृत्या, इसमें क्या संकल्प और विक्रिया को सुन प्रिया आत्मने अहंकारम अभिमन्य के अन्य के अभिमान रुद्र स्पष्ट है टीकाओं में। रुद्र देवता क्या करता है, अहंकार को निर्माण किया और उसके अंदर अहम आकार वृत्ति के द्वारा प्रवेश कर गया। अहंकार स्थान का नाम भी है, निर्माण किया रुद्र ने, प्रवेश किया कर्मणांशेन, कर्मांश में अहमृत्या, अहमृत्ति से प्रवेश कर जा रहे हैं और उसी अहमृत्ति को लेकर अब हम लोग आप लोग क्या कर रहे हैं, अतो कर्तव्य प्रतिपद्यते, अतो पुरुष कर्तव्य तत्सर्व प्रतिपद्यते। सप्तमचास निर्भिन्नम महान जिष्णुपावशत चित्ते नाशेन ये नाश विज्ञान प्रतिपद्यते। सप्तम चित्त बुद्धि हो गया, मन हो गया अंग, मनोबुद्धि अंग तीनों गए, अब रह गया चित्त अंतकरण में रह गया, वो चित्त को ले रहे हैं और कुछ लोग बुद्ध और चित्त दोनों का अवेद करके बोल दिया ऐसे मान रहे हैं। सप्तम चास्विन्नम कौन, साक्षात महान ब्रह्मा, महान है ब्रह्म तत्व महातत्व स्वयं क्या किया, इसके सप्त रूप कार्य को उत्पन्न कर दिया, दृष्टि को उत्पन्न किया और चित्तेनाशेन उपास चित्त इत्यादि वृत्ति के द्वारा इसे प्रवेश कर दिया, जिसके माध्यम से सकल विज्ञानों को प्राप्त करता है। शीष्टोस्य द्योर्धरा पद्यं खंड पद्य गुणानृत्यो प्रतीयंते सुरादय अत्रलोकोत्पत्ति की ओर कह रहे हैं। ये तो गया व्यष्टि विराट पुरुष पैदा हो गया, उस विराट रूपी समष्टि के अंदर विभिन्न अंगों को वर्णन किया, कौन कौन देवता कहां कहां है, वो सर्वेश यथा ब्रह्मांड पिता पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में आप देखा वैसे पिंड में ही देख लो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड अनुभव कर सकते हैं आप, उसी के आधार पर बात कह दिया गया है। अब इनमें लोगों का निर्माण करना भी जरूरी है, उसके लिए करे शीर्ष विराट पुरुष का सिर क्या है, साक्षात द्योलोक है स्वर्गलोक है। धरा पद्याम, अब
पदव्या तो पैर क्या है इसके धरा भूलोक है खन्नाबेर उदपत्य तो और नाभि प्रदेश का जो आकाश है वही अंतरिक्ष करके समझो। ये ऊपर हुआ इसीलिए स्वर्गलोक स्वाहा, यहां से नीचे भू, इस बीच का प्रवेश का नाम अंतरिक्ष भुआ। ये चट्टान अनुद धराम रज स्वभाव नागुणाराम प्रतियम गुणों का ही वृत्ति विशेष स्वरूप होता। सुर ऊपर के लोक में देवता हो गए, बीच के लोकों में गंधर अप्सराएं घूम रहे, नीचे के लोकों में मनुष्य और अन्य जितने भी नरक पर्यंत की सारी योनिया विराजमान है। आप्यंतिकेन सत्येन दिवं देवा प्रदीपे विरे, कौन कैसे प्राप्त कर रहा है किस लोगों को कोई वर्णन कर रहे हैं। धराम रज स्वभावेन पणयो ये चट्टानन पापीयेन स्वभावेन भगवन नाभिमा सदा उभयोरंध्रम व्योम ये रुद्र पाहिरांधरा। आत्यंतिक सत्य उनको लेकर के दिवं देवा प्रतिपेदरे, देवता लोग उस द्यूलोक को प्राप्त किए। धरा रज स्वभाव लेना रजगुण प्रधान स्वभाव वाले होकर के पायो ये पाया धराम ताप अनुप्रपद्यन्ते अध्यापना ब्राह्मण से वेदो वेद वृत्ति ये सब क्या पाया कर लो ना उस पर व्यक्ति का कर लो समझा है पर क्या पर होता है पर पढ़ो का मतलब व्यावहार व्यावहार कैसा पढ़ते व्यावाजन विवरण भी पढ़ाया मनुष्य तारण ये तो उपकरण होता ये गवा दिया अनु मैंने उसके साधन तो जो गौ इत्यादि पशु उन सब के सही पर वो पृथ्वी लोग जन्म ले रहे तापीय स्वभाव तृतीय तमा तीर्था कौन रह गया तमोगुण रह गया सतुगुण हो गया रजुगुण तमोगुण प्रधान केवल सतुगुण होता नहीं है वहां भी रजुगुण तमोगुण है इन प्राधान्यता को लेकर कहा जा रहा है। तीसरे कहते हैं कि तापीय स्वभाव तीसरा स्वभाव तमुगुण प्रधान स्वभाव के द्वारा भगवान नाम नाभि आश्रता भगवान के नाभि प्रदेश में तरह से आश्रत समझो। भगवान ने इस विराट पुरुष के नाभि स्थल अंतरिक्ष लोक में आश्रत है कौन वो भयोरंधर व्योम ये रुद्रता सदांगणा जो कैसे है जो कि उभयो द्यावर प्रति इन दोनों के अंदर मन मध्यम जो व्योम मन अंतरिक्ष लोक है वो भगवान का नाभि प्रदेश है वहां आश्रता रुद्र पार्षदाम रुद्र का जो पार्षद है कौन भूतादिनांगणा भूतादि गण स्वरूप मुखतो अवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यत्तुन्मुखत्वाद्वर्णानां मुख्यो ब्राह्मणो गुरुः। लोक व्यवस्था हो गया अब इस मनुष्य लोग वर्ण व्यवस्था करने जा रही है ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र मुखतो अवर्तत ब्रह्म ब्रह्म ने ब्राह्मण हे कुरुद्वः पुरुषस्य मुखतः इस पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से मुखम आसीत आया है ना बाहु राजन्य उसका सब है यहाँ पर सारे श्रुतियों के आधार पर ही है। ये तो उन्मुखत्वा वर्णानाम कहते क्यों वर्णा वर्णों में व मुख्यो वर्णानाम मुख्यो क्यों मुख्यो ब्राह्मणो गुरु अभूत तो ये ब्राह्मण ही समाज का गुरु होता है वही शिक्षा देने अध्ययन अध्यापन करने को उसी को अधिकार है क्षत्रिय वैश्य है तो अध्ययन अध्यापन कर नहीं सकते ना इसमें इसी को लेकर बड़ा विवाद होता है यदि भी शास्त्रों में आप परिश्रम को देखो अनेकों गुरु तो क्षत्रिय राजा लोग रहे राजर्षि वो उपदेश दे रहे ज्ञान दे रहे हैं राम क्या है राम गुरु हुआ के किसी का किसका उपदेश दिया राम फालतू तो बात करते हो तो उपदेश देने वाली बात नहीं गुरु बनने वाली बात जो ज्ञान तो दिया हो परिषद ही प्रमाण बनते हैं जहां पर क्षत्रिय जो गुरु होकर के उपदेश दे रहा है और ब्राह्मण लोग जाके विद्या प्राप्त कर रहे हैं ऐसे प्रसंग परिषदों में देखने को मिलता है। तो लेकिन वहां तात्पर्य है कि वेद एक विद्या विशेष को लेकर के संपूर्ण वेद का और समाज मात्र के सर्वथा सामान्य गुरु रूपे न वो क्षत्रियों को इतने मात्र सम्मानना उचित नहीं होता
उतने विद्या विशेष को लेकर उनके पास थी, उस विद्या को उनसे प्राप्त हुए, कुछ ब्राह्मण चले गए। उतने मार से वो क्षत्रिय पूरे समाज के गुरु थे, या समाज में उन्होंने अपने नाम संस्कार किया और दीक्षा दिया गायत्री की, और उन्होंने जो अपने गुरुकुल चलाया, इस तरह का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। वो तो ब्राह्मणों का ही कार्य रहा, ब्राह्मण ही करते रहे। इसे शास्त्र प्रमाण के अनुसार ये बनता है, ब्राह्मणो गुरु हो जो कि वर्णाराम मुख्य, क्यों उन्मुखता ने प्रथम उत्पन्न से सर्वप्रथम वही उत्पन्न हुआ है। बाहुभ्यवर्धत क्षत्रम क्षत्रियन वृद यो जात त्रायते वर्णान पौरुष कंटक क्षता, और बाहुओं से क्षत्रम अवर्धत क्षत्रिय जाति उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय तदनुवृदा, अभी कैसा क्षत्रिय तदनुवृत, उसके सहयोगी अन्य जितने भी है उनके सहित उत्पन्न होया, जैसे वेद सहित ब्राह्मण उत्पन्न हुआ वहां, वैसे यहाँ पर इसने भी क्या किया, अपने संसाधनों के सहित क्षत्रिय उत्पन्न होता है। यो जाता त्रायते वर्णान, जो कि उत्पन्न होने का समय से उसका कर्तव्य बन गया, अन्य वर्णों की वह रक्षा करता है। पौरुष कंटक क्षता कहते कि भाई वह पौरुष, क्योंकि पुरुषस्य विष्णु अंश, वो भी पुरुष विष्णु का ही अंश है, इसलिए वह कंटका चोरार्य के भ्यो यक्षतम उपद्रव, उनसे जो प्राप्त उपद्रव है उनको दूर करता है, माने समाज में विद्यमान जो उपद्रवी लोग हैं उनको दंडित करके उनको अधीन बना करके रखता है, और जो ज्यादा परेशान करे उनको कारावास बंद करके जो है समाज की हमेशा रक्षा करने का कर्म वाला वो क्षत्रिय बाहुओं से उत्पन्न हुआ। अवर्तन तदस्योर्वो लोकवृत्ति करीर विभव वैश्य उद्भव वार्तां नृणाम यह समवर्तयत। विश्ववर्तन तस्य ऊर्वः, उस विराट पुरुष के ऊर्व प्रदेश से वैश्य उत्पन्न हो गए। लोकवृत्ति करी तस्य विभव ऊर्वः, उस विभूप व्यापक समष्टि रूपा विराट पुरुष से वह लोकों में वृत्ति को निर्माण करने वाला, लोकवृत्ति सहवृत्ति भी मैंने हरियजने जीविकार्थम चिंता न कार्या, ऐसे पाठवेद भी वृत्ति करी ही वृत्ति करिया पाठवेद वगैरह है, मैंने क्षत्र की उत्पत्ति के पश्चात वैश्यों की उत्पत्ति, कृषि आदि व्यवसाय वृत्ति से क्या लेना, कृषि आदि व्यवसायों को उन व्यवसायों को लोक वृत्ति, इस लोकों का वृत्ति करी ही जीविका का साधनी भूता जो कृषि आदि है उन व्यापारों को करने वाले वैश्यों की उत्पत्ति हुई। वैश्य तद्भव वार्ताम नृणाम यह समवर्तयत, तद्भव उर्ज वार्ताम जीविका यह स्वृत्या संपादितवान, वह भी परमात्मा अपनी वृत्ति के द्वारा ही उनका भी संपादन कर दिया। अंत में रह गया एक शूद्र, तद्भ्याम भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धे तस्याम जात पुरा शूद्र यद्वृत्या तुष्यते हरिः, भगवतो पदव्याम शुश्रूषा धर्म सिद्धे शूद्र जज्ञे, भगवान के विराट रूप के चरणों से पैरों से शुश्रूषा रूपी धर्म सेवा रूपी जो धर्म उसके सिद्धि के लिए शूद्र उत्पन्न, तस्याम जात पुरा शूद्र ये नृत्य तुष्यते हरि, तस्या निमित्त भूताया तारस निमित्त भूत उस परमात्मा से यस्य वृत्तिया हरि स्वयमेव तुष्यति, जिसकी वृत्ति से सेवा की वृत्ति से ही स्वयं हरि तुष्ट हो जाता है, उनको यज्ञ पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम करे उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते। आज ये स्पष्ट ही है, मृक्ष अपना काम कर रहे हैं उन पर पूरा भगवान प्रसन्न है, हम मृक्ष ही आगे उठ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस ऑफिसर मृक्षों की संख्या बढ़ रही है, क्यों वो अपने कर्म तो कर रहे हैं ना, उनका काम क्या है, वो भंगी है चाहे जितना बड़ा झाड़ू तो मारी रहा अपना काम तो कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण अपने कर्म से गिर गया, क्षत्रिय अपने कर्म से गिर गया, वैश्य अपने कर्म से गिर गया, इसे इनकी अवनति दिखाई दे रहा है, इनकी दृष्टि से धर्म का हाथ भी दिखाई दे रहा है, इन मृक्षों की शूद्रों की उन्नति ही उन्नति दिखाई दे रही है।
जीवना गिराने की चेष्टा करो तो मायावती अपने कुर्सी पर मजबूत है और जो ब्राह्मण बैठ रहे उसको तो गिरा दे रहे, क्षत्र बैठ रहे उसको गिरा दे रहे, कितने बदल रहे उम्मा रंटी साहब बदल गए नहीं, कितने बदल रहे हैं, बदलते रहेंगे ये, क्यों उनके धर्म कर्म उनका भ्रष्ट हो चुके हैं, वो मृत या शूद्र जो है वो अपने धर्म कर्म में लगे हुए हैं, इसे उनके प्रति भगवान जो है उनसे यज्ञ पूजा पाठ नित्य कर्म कांड आदि की अपेक्षा करता ही नहीं है, भगवान भी अपने सिवा जो कर्म करते रहे उतने में ही भगवान प्रसन्न है, इसे बहुत अनायास ही शूद्र चाहेगा तो मुक्ति पा सकता है, इसे गीता जी ने कहा स्वकर्मात्मभ्यर्च सिद्धि मुंदतिमान, वो अपने अपने कर्म से ही केवल उस भगवत अर्पण कर दिया जाए वो सिद्धि को प्राप्त कर अंतकरण शुद्धि हो जाएगी, मुक्ति का अधिकारी बन सकता है, अपने कर्म को करें तो सही, इन उत्कृष्ट वर्ण वाले होते हुए निकृष्ट कर्म करने के कारण से स्वकर्म तो किए नहीं परकर्म कर रहे हैं इसलिए उनका हानि हो रहा है, और शूद्र स्वकर्म कर रहा है और परकर्म भी कर ले रहा है, आश्चर्य की बात है, अपना कर्म तो कर ही रहा है सेवा के कर्म और परकर्म को भी अपना करके वो भी कर दे रहा है, डबल कर्म कर रहा है, कैपेसिटी से ज्यादा तो इसे फल भी दे रहा है, अधिक से अधिकम फल मिल रहा है उसका, तो इसलिए आप कहते देखो भगवान तो उनसे ज्यादा अपेक्षा ही करता है, पुरा भी जो है चतश्याम पुरा जाता शूद्र ये वृत्तिया ये हर ही तुष्यत है, जिसकी वृत्ति मात्र से ही उसकी अपनी जो वृत्ति क्या शुश्रूषा वृत्ति उतनी मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वही उनका परोधर्म इत्यर्था वही उनका परम धर्म है, उस परम धर्म से वो प्रसन्न नहीं, इसीलिए एते वर्णा स्वधर्म यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धया विशुद्ध्यर्थं यज्जापः सहवृत्तिभिः, स्पष्ट ही है इस श्लोक से तो स्वकर्मात्मभ्यर्च जो वहां स्मृति में कहा हुआ वो बात स्पष्ट कर रहा है, देखो ये ते वर्णा ये जो वर्ण ग्राम क्षेत्र शूद्र स्वधर्मेण अपना जो धर्म है जो बताया गया ब्राह्मण के लिए यजन करना याजन करना पढ़ना पढ़ाना नहीं ना, या करो कराओ दान दो दान दो के लेते रहना नहीं देते भी रहना है, दानम आदानम च दोनों ही करो, ये षट कर्म को करना है, क्षत्रिय के लिए बता दिया भाई तुम रक्षा कर्म करो और रक्षा कर्म के लिए आवश्यक जो है साधन संपादन करना भी उसी का कर्म, रथ बनाना ये भी क्षत्रिय के अंतर्गत आ गया, अस्त्रों को बनाना छत्रों को बनाना ये सब क्षत्रिय कर्म ही है, युद्ध भूमि में लड़ने वाला ही क्षत्रिय है नहीं, वो अंदर में शासन समय पुलिस भी क्षत्रिय कोटि में आ जाएंगी, पत्ति से लेकर फिर सेना अलग अलग गिनाई हुई, जो चोर वगैरह पकड़ने के लिए पत्ती सेना जाया करती थी उसको भी सेना ही सबसे पहले कहा आज तो अलग अलग हो गया है, सेना अलग है पुलिस नाम रख दिया, इसको अलग नाम रख दिया है, नाम में अंतर कर दिया, काम तो वही है क्या शासन को बनाए रखना, इसे शासन को जो है जितने भी राजा या तत्व सरकारों के द्वारा आधुनिक भाषा में जो सिद्धांत स्थापित नियम कानून है उनका परिपालन करना और कराना ये सब क्षेत्र का काम, वो कर्म जो कर रहा है वो स्वकर्म हो गया स्वधर्म हो गया उसका, इधर वैश्य का स्वधर्म क्या खुद व्यवसाय करो खूब धन को जा रहा है, 1 रुपया का 100 रुपया बनाओ 100 रुपये का 1 लाख रुपया लाख का करोड़ बनाओ, बना करके समाज में ही उसको लगाओ, धर्मशाला खोलना है धर्म के मेरा धर्मार्थ अस्पताल खोलने हैं है कि नहीं, और छात्रों के लिए वृत्ति देना इतने अनेक प्रकार के संस्थाओं के निर्माण करके उन संस्थाओं के द्वारा लोगों से धन कमा कर लोगों की सेवा में इस्तेमाल करने का वैश्यकरण, ये नहीं अपने ऐश करने के लिए दुनिया में कोठी खड़ा कर दिया कहा बना दिया घूमने फिर जा रहा है, ये नहीं वैश्य का धर्म, वैश्य का धर्म कमाना है और फिर उसको समाज में ही वितरण करना ये वास्तविक धर्म है, वो भी इसमें आधा धर्म कर रहे हैं आजकल, कमा तो रहे हैं लेकिन समाज में डाला नहीं चाहते, कंजूसी कर देते देना नहीं चाहते, कुछ धर्मों के लिए व्यवस्था जो करनी है वो वितरण प्रणाली नहीं रह गया, ग्रहण प्रणाली है लेकिन वितरण प्रणाली सम्यक नहीं है, वो सारा वैश्य धर्म है वो स्वधर्म है उनका, उसके द्वारा ही उस भगवान को स्वगुरु हरिम यजंती, स्वगुरु भूता जो ये हरि है उनका यजन करते हैं, इसी प्रकार शूद्र स्वधर्म सेवा के द्वारा कर लेता है, श्रद्धया श्रद्धा के द्वारा स्वधर्म से जो किया हुआ से क्या होता है आत्मशुद्ध अपने अंतकरण शुद्धि,
यज्जाता सर्ति ही, जिस उत्पन्न हुए हैं मृत्युओं के सहित उसी परम गुरु परमात्मा के लिए ही यजन करते हैं, अपने ही श्रद्धा प्रकृत सर्वधर्म के द्वारा उनका पूजा कर रहे हैं। एक अक्षर भगवत दैव कर्मात्मरूपिण काशद्यापाकर तुम योग माया पलोदय। हे छत्ता हे विधुरा, भो छत्ता हे विधुरा, देव कर्मात्मरूपिण काल स्वरूप भाव शक्ति मता, देव मने कर्म और आत्मा, पहले भी आया था ना देव कर्म माया रूपी इत्यादि जो कहा अंश रूपी न अलग अलग शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, केवल मैंने काल कर्म और स्वभाव, इन्हीं काल रूपी शक्ति कर्म रूपी शक्ति और स्वभाव की शक्ति वाले होकर के जो है भगवत कहा श्रद्धा रूपी न भगवत तारस भगवान के प्रति योग माया वैमुचरुंडितम योग माया बलोदयम, योग और उसकी जो अपने योग में सामर्थ्य रूपी माया से उचरमित होकर निमित्त को लेकर ये जो विराट रूप है उसको उपार उपाकर तुम साधन निरूपय तुम उसको पूर्ण रूप में निरूपण करने में कौन श्रद्धा बने कौन समर्थ हो सकता है। जिन्होंने निरूपण किया है मैत्री का कहना है यहाँ पर, मैंने जो विराट रूप का वर्णन किया वो संक्षेप नहीं कर पाया, क्यों इस संसार में कोई माया का लाभ नहीं है जो माया का कार्य होता है विराट को पूर्ण रूप में वर्णन कर सके, कोई नहीं कर सकता। कण कण में आप एक वास्तविक आर्टिस्ट कलाकार के पास जाएंगे, असली जो कलाकार होगा मेहनत करके जो करने वाला कैसे देखते है पता, यह खड़े हुए चित्र देख लिया बहुत सुंदर है, अभी तुमको देखना नहीं आता है चित्र, चित्र को देखने नहीं आया, कैसे देखा जाता है एक पतला सा पाइप देखे पाइप जैसी प्लास्टिक की नीले रंग काले रंग कोई रंग का सफेद आर पार वाला पाइप नहीं प्लास्टिक, या जो कपड़े का रोल नहीं आते वैसे कोई भी गोल या अगरबत्ती का जो नहीं होता है वो कोई भी चीज ले लो और उससे आप एक आंख बंद करके उसी एक एक अंक को देखना, आंख को देखिए हर चीज को अलग 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 करके देखना, एक चीज को देखो दूर से उस क्षेत्र से देखते रहो आपको बाकी चीज कुछ नहीं दिखेगा उसके कारण से, वो क्या एक जगह पर दिखा देगा, एक बाल भी अधिक टेढ़ा है आपको पता लग जाएगा, फोटो से मिलान कीजिए उस क्षेत्र में बाल कैसे है और वहां कैसे दिख रहा है, एक एक पॉइंट को आप चेक करें, खड़ा हुआ है जो चित्र है वो चित्र उस ने बनाया हुआ जो चित्र है उन दोनों से 100% मिलान होनी चाहिए, यूनिक तरीका है। इसलिए हम विराट को वर्णन करना चाहे उस विराट का एक एक कोने को भी हमें देखना पड़ेगा, कण कण भी इस विराट शरीर के अंदर व्यापक परमात्मा का व्यापक स्थूल शरीर के कण कण में भी क्या व्याप्त है वर्णन कर सकता है कोई, इसे कहा शब्दा ने कहा कर सकता है अर्थात कोई उसे ग्रहण करके वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रश्न मैंने पूछा है इसलिए मैं जवाब दिए जा रहा हूं, अथापि कीर्तयाम व्यंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्ति मरे स्वाम सत् कर तुम गिरम मन्या विलासती, अथापि हे अंगा रे विदुरा मेरा प्रिय शिष्य अथापि फिर भी यथामति यथाश्रुतम कीर्तयामि जैसे मेरे गुरुजनों ने मुझे सुनाया है जैसे मैंने सुन रखा है उसको भी मैं पूरा तुम्हें सुना नहीं सकता, कोई कहे जैसा गुरुजन ने पढ़ा वैसे तुमको पढ़ा दिया पढ़ा ही नहीं सकता, परंपरा इसलिए क्या था काले न महता भगवान ने ज्ञान लुट हो जाता है स्वाभाविक है, लेकिन जो गुरु ने बताया वो सारा का सारा टेप रिकॉर्ड अगर वही का वही शब्द बाहर आ जाए ये नहीं हो सकता है, इसे कहते यथामति यथाश्रुतम और यथामति दोनों कह रहे हैं, क्योंकि यथाश्रुतम निकल कहा करके छोड़ देंगे तो बन नहीं सकता, क्योंकि जो गुरु से सुना सुनकर के अपने निकालते वक्त पता नहीं क्या और मारा मसाला जोड़ भी देगा कोई भरोसा नहीं, ये अपनी संस्कार है अपनी वासनाएं हैं, गुरु के द्वारा प्रदत्त गृहित ज्ञान के अंदर भी खिचड़ी हो सकती है या कुछ भूल भी हो सकता है,
वैसे वैसे प्रसिद्ध नहीं कर सकता। इसे कहते जैसी मेरी मति है उस शुद्ध पदार्थों को मेरी अपनी मति के अनुसार मैं तुमको सुना। क्यों सुनाना चाहते? जब संसार में कोई पूरा वर्णन नहीं कर सकता, जाने हो पूरा कोई नहीं कर पाया, लेकिन जैसे आपने गुरु ने वर्णन किया वैसे भी आप नहीं कर सकते है? फिर करें क्यों रहे हैं आप? क्यों करना चाह रहे हैं आप? तो कहते बात ऐसा है, ये झूठी है ना वाणी, इस वाणी को पवित्र मैं कैसे करूं? और कोई रास्ता है?